राजद के पूर्व बाहुबली विधायक छोटे सरकार आखिर बेऊर जेल में बंद है तो उनकी हत्या की साजिश कौन कर रहा है? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जेल के अंदर रविवार को पूरे दिन हंगामा हुआ। अनंत सिंह के समर्थक और कक्षपाल, जो जेल के अंदर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनके बीच झड़प हुई, मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए तो जेल प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोषी कक्षपाल के ऊपर एक्शन लिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजद के तरफ से सवाल पूछा जा रहा। इस पूरे मामले की जांच जेल के आईजी करेंगे। पटना के जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है। लेकिन इस बीच देर रात राष्ट्रीय जनता दल के मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के आने के बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। दरअसल नीलम देवी ने राष्ट्रीय जनता दल से पूछा है, तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या यही दिन देखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से मोकामा से मैं चुनाव जीत कर आई हूँ? राजद के टिकट से चुनाव जीतने का यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पूर्व विधायक के समर्थकों के साथ जेल में मारपीट की जा रही है। ये तमाम बातें तब हो रही है जब 2024 की रणभेदी बजने वाली है और मोकामा और मुंगेर के बीच, मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत जो मोकामा विधानसभा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आखिर अनंत सिंह से कौन बदला लेना चाहता है? नीलम देवी को कौन कटघरे में खड़ा करना चाहता है? आखिर नीलम का तेजस्वी यादव से सवाल पूछने का मतलब क्या है? क्या बिहार की सियासत में जो सरकार चल रही है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस वाम दल की, उससे नीलम देवी का भरोसा उठ गया है? राजद के विधायक ने जिस तरीके से सवाल उठाया है और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम है, उनसे पूछा है कि तेजस्वी जी आपको जवाब देना होगा, कब तक चुप रहिएगा? अनंत सिंह के मामले पर आखिर सरकार के तरफ से तेजस्वी कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? नीलम देवी ने पूछा है, अब जवाब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को देना है, तेजस्वी यादव के देना है, राष्ट्रीय जनता दल को देना है कि सरकार में शामिल होने के बाद क्या उनके विधायकों के साथ मारपीट की जाएगी? क्या उनके विधायक जो जेल में बंद हैं उनके पीछे साजिश की जा रही है? और ये तमाम आरोप राजद के विधायक ने लगाया है, तेजस्वी यादव के खासम खास विधायक ने लगाया है। छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी के फेसबुक पेज से यह पोस्ट किया गया है। हालांकि ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। नीलम देवी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, फिलहाल बात तो नहीं हुई, लेकिन जो पोस्ट डाला गया है उसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। हालांकि नीलम देवी खुद ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल उनका कोई अपना नहीं है, लेकिन उनके नाम से कई जो अकाउंट्स है वो चलते हैं, और उसी अकाउंट में से एक अकाउंट है जिस पर नीलम देवी की तस्वीर लगी हुई है और ये सवाल पूछा गया है। ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन सवाल नीलम देवी के द्वारा पूछा गया है, ये भी जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव से सवाल है, बिहार की सरकार से सवाल है। अब देखना इसका जवाब किस तरीके से आता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।